हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं एकदम ठीक हूँ और आज अपन लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट एनीमे मेन कैरेक्टर्स। सो गाइस, ये तो मेरी एक बेसिक वीडियो है, इसमें मैं बस ऐसे ही टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट मेन एनीमे कैरेक्टर्स के बारे में बात करने वाला हूँ। हाँ, इसमें कोई साइड कैरेक्टर्स ना कोई गॉड ना कोई इनह्यूमन्स वगैरह वगैरह जो एनीमे में से है वो लोग नहीं रहने वाले, इसमें सिर्फ मेन कैरेक्टर्स होने वाले। तो ये लिस्ट पूरी मेरे ओपिनियन से है, मैंने कहीं से भी नहीं देखी है लिस्ट, ये अपने मन से मैंने बनाई है। तो अगर तुम लोग लिस्ट से अफेंड हो जाते हो तो यार कमेंट में गालियाँ मत देना, ये मेरे ओपिनियन के हिसाब से लिस्ट है। तो चलिए फिर शुरू करते इस वीडियो को स्टार्ट, क्योंकि नंबर 10 पे जो अपना कैरेक्टर आता है ना वो है एरन येगर फ्रॉम अटैक ऑन टाइटन। सो गाइस, अटैक ऑन टाइटन एक ख़तरनाक सीरीज़ है जो मैंने पूरी नहीं देखी, मैंने सिर्फ 2 सीजन्स देखे इसके और मेरे को मतलब बीच में से ये छोड़ने की इच्छा हो गई क्योंकि मेरे को डीमन स्लेयर देखना था और डीमन स्लेयर मेरे को बहुत अच्छा लग गया था अटैक ऑन टाइटन से ज़्यादा। तो वो मेरे को डीमन स्लेयर ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो ऑफेंड मत हो जाना AOT फैंस। पर गाइस, अटैक ऑन टाइटन भी बहुत सही शो है और अभी मैं शायद ख़त्म कर दूंगा इसको कोविड के अंदर, फिर अपन लोग अटैक ऑन टाइटन रिव्यू भी दे पाएंगे अपने चैनल पे माइक आने के बाद। फिर गाइस, जो नंबर 9 पे कैरेक्टर आ रहा है वो है, जो नंबर 9 पे कैरेक्टर आने वाला है गाइस वो है नात्सू ड्रैगनील। तो बहुत से लोगों को नात्सू ड्रैगनील नहीं पता होगा, मतलब सिर्फ फेरी टेल फैंस को पता होगा। और अभी मेरे को फेरी टेल फैंस पूछेंगे कि नात्सू नंबर 9 पे क्यों है, इतना नीचे क्यों है नात्सू। सो गाइस, मेरे को फेरी टेल मतलब थोड़ा ठीक लगा था, पर ब्लैक क्लोवर जितना अच्छा नहीं लगा था मेरे को मैजिक के मामले में फेरी टेल। हाँ, ये मेरे ओपिनियन में है, मेरे को फेरी टेल ब्लैक क्लोवर से अच्छा नहीं लगता, मेरे को ब्लैक क्लोवर ज़्यादा अच्छा लगता है फेरी टेल से। इवन मेरे को ब्लैक क्लोवर का मैजिक हैरी पॉटर से ज़्यादा अच्छा लगता है, सच में, मजाक नहीं, मेरे को हैरी पॉटर से ज़्यादा ब्लैक क्लोवर का मैजिक पसंद है। तो कैसे अगर अपन लोग नात्सू ड्रैगनील की पावर्स एंड अबिलिटीज़ के बारे में बात करें तो गाइस, नात्सू ड्रैगनील के पास है फायर पावर और उसके पास ड्रैगन पावर्स भी है सैलामेंडर ड्रैगन की, जो स्टार्टिंग में दिखाया था सीरीज़ के। फिर नात्सू के पास एक पेट टाइप ये ब्लू कलर की कोई तो भी बिल्ली भी होती है, उसका नाम मैं भूल चुका हूँ, मैंने बहुत पहले देखा था फेरी टेल। सो अगर तुम लोगों का नाम पता है तो कमेंट में बता देना। और गाइस, चलिए अब बढ़ते हैं नंबर 8 की तरफ। नंबर 8 पे जो कैरेक्टर आ रहा है वो है डॉक्टर स्टोन यानी कि सेनक्यू। सो गाइस, सेनक्यू डॉक्टर स्ट्रेन का मेन कैरेक्टर होने के हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग भी है, क्योंकि गाइस इस कैरेक्टर को साइंस आता है और साइंस के हिसाब से तो बहुत ताकतवर हो गया। और अब मैंने इसको नात्सू और एरन के ऊपर क्यों रखा, अब एरन सिर्फ टाइटन फॉर्मेशंस कर सकता है, मतलब एक ही टाइटन बन सकता है, वो भी मल्टीपल टाइटन्स नहीं बन सकता, भले उसके पास पावर्स है अदर टाइटन्स की पर वो एक ही टाइटन बन सकता है। और फिर नात्सू के पास सिर्फ फायर पावर है, पर इधर सेनक्यू के पास दोनों से ज़्यादा एडवांटेज है, क्योंकि वह सेनक्यू साइंस कर सकता है, मतलब उसका साइंस लेवल बहुत ऊपर है, बहुत 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 ऊपर, वो कुछ भी केमिकल्स मिला के बर्फ बना देता है भाई, तो इसलिए मैंने सेनक्यू को इनसे ऊपर रख दिया। नंबर सेवन पे आता है टोरिको। सो इस टोरिको सीरीज़ मैंने देखी नहीं है, पर जब वन पीस, ड्रैगन बॉल और ये टोरिको का आया था ना एक स्पेशल एपिसोड, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था और टोरिको का कैरेक्टर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। गोकू और लूफी मेरे को पहले से पता था क्योंकि मैंने वन पीस पिछले साल ही देखा था और ड्रैगन बॉल मेरा पहला एनिमे था, तो उन लोगों के पास मेरे पास बहुत सारी डिटेल्स हैं। फिर गाइस, टोरिको का कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत सही था, उसकी पावर्स भी एपिक थी। अब जब मैं टोरिको की सीरीज़ देखूंगा तो मैं उसकी पावर्स और अच्छे से समझ पाऊंगा, पर फिलहाल मेरे को टोरिको के बारे में इतना ही पता है। बारे में नंबर सिक्स है कि यार कौन सा नंबर चल रहा है कमेंट्स में बता देना, मैं भूल चुका हूँ यार। ये है स्क्रिप्ट ना निकले के नतीजे। हाँ, मैंने स्क्रिप्ट नहीं लिखी है वीडियो की, ये मैं ऐसे ही बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास माइक भी नहीं है, तो मेरे को आलस आ रहा था स्क्रिप्ट लिखने का, तो मैंने स्क्रिप्ट नहीं लिखी। नंबर सिक्स पे जो कैरेक्टर आता है वो है और कोई नहीं, अपना आस्था।
सो गाइज आस्था ब्लैक क्लोवर का कैरेक्टर, और गाइज आस्था की पावर्स मुझे बहुत अमेजिंग लगती है, जो कि डीमन पावर्स और एंटी मैजिक पावर्स। सो गाइज एंटी मैजिक पावर एक ऐसी पावर है जो कोई भी मैजिक को, मतलब ऐसा अगर आप लोग पोकेमोन देखते हो और आपको वोबाफिट का वो मूव पता होगा ना, मिरर कोट, जिससे वो आगे आने वाले हमले को डैमेज नहीं लेता और आगे जिसने वो हमला दिया है उस पर डबल डैमेज बैठ जाता है, तो वैसे ही कुछ आस्था का मैजिक भी है। आस्था अपनी तीनों स्वॉर्ड्स से अलग अलग चीज़ें कर सकता है, जैसे कि उसकी डीमन स्लेयर स्वॉर्ड से वो एंटी मैजिक रिफ्लेक्ट कर सकता है, डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड से वो लोगों का मैजिक बोरो कर सकता है, और फिर तीसरी वाली का मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, जबकि मैंने ब्लैक क्लोवर इतने अच्छे से देखी थी यार। नंबर सिक्स पर जो कैरेक्टर आता है वो है लेवी फ्रॉम अटैक ऑन टाइटन। सो गाइस लेवी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, और लेवी को मैंने इन सब से इसलिए ऊपर रखा है क्योंकि यार गाइस लेवी एक ख़तरनाक अटैक ऑन टाइटन का कैरेक्टर है, और वो लेकिन एरन और लेवी में एरन ज़्यादा अच्छा लगता है लेवी के मुकाबले। लेवी थोड़ा चंप दिखता है पर गाइस लेवी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेवी एयर टाइम में स्वॉर्ड्समैनशिप कर सकता है, और क्या चाहिए भाई, हवे में लड़ रहा है बंदा तलवार से। फिर गाइस जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है नंबर 5 पे, जो कि है गॉन। सो गाइस मैं गॉन द स्टोन एज बॉय की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ गॉन फ्रॉम हंटर एक्स हंटर की। सो गाइस गॉन, मैंने हंटर एक्स हंटर कुछ देखा नहीं है गाइस, जैसा मैंने टॉरिको के इसमें बोला था, मेरे को हंटर एक्स हंटर का नाम ऐसे ही पता चल गया था नेटफ्लिक्स के वजह से। नेटफ्लिक्स पे मैं एक शो देख रहा था अजीब सा, अम्ब्रेला एकेडमी, वो मुझे बहुत पसंद आ गया था, उसका रिव्यू अपन करेंगे कभी, पर फिलहाल अपन गॉन पे ध्यान देते हैं। सो गाइस गॉन की पावर्स मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि वो हंटर है और वो ज़्यादातर फायर पावर ही यूज़ करता है। मतलब मेरे को उसकी पावर्स नहीं पता यार, कमेंट्स में मेरे को गालियाँ मत देना, मैंने नहीं देखा है हंटर एक्स हंटर। फिर गाइस उसके पास एक ख़तरनाक ट्रांसफॉर्मेशन भी है बोलते हैं, जो बहुत बड़ा बना देता है उसे। सो अगर जब मैं हंटर एक्स हंटर देखूँगा तभी मुझे समझ में आएगा, ऐसे मुझे नहीं समझ में आने वाला। नंबर फोर पे जो कैरेक्टर आता है वो है इचिको कुरासाकी फ्रॉम ब्लीच। अब ब्लीच मैंने बहुत अच्छे से देखी और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी ब्लीच पर्सनली, और गाइस इचिको कुरासाकी एक ऐसा कैरेक्टर है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, और उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप यार मेरे को अपनी ज़ुबान पर ध्यान देना पड़ेगा, स्वॉर्ड्समैनशिप और उसकी ख़तरनाक एबिलिटीज़ भी। अब गाइस इचिको कुरासाकी ब्लीच में मेन कैरेक्टर का रोल करता है, और गाइस इचिको कुरासाकी वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर है ब्लीच का एज ही इज़ द मेन कैरेक्टर। इचिको कुरासाकी की स्वॉर्ड भी काफ़ी ख़तरनाक है, मतलब एकदम बड़ी और ऐसी आगे आने वाले को फट से मार सकती है। नंबर 3 मंकीडी लूफी फ्रॉम वन पीस। अब गाइस लूफी के बारे में बात करने के लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना सकता हूँ उसकी पावर्स एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि मैंने वन पीस देखा है तो मेरे को उसकी पावर्स अच्छे से पता है। सो गाइस लूफी के जो पावर्स है वो है गोमू गोमू नोमी, जिसका मतलब है रबर रबर फ्रूट। लूफी रबर, अपनी बॉडी को पूरा रबर से स्ट्रेच, मतलब उसकी पावर्स ही रबर है यार, समझ लो। अब वो अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच कर सकता है कितना भी, और अनलिमिटेड खा भी सकता है, वो मोटा नहीं हो सकता। अब गाइस लूफी एक वीक कैरेक्टर मुझे लगता था पहले एकदम सीरीज के स्टार्ट में, पर जब जब लूफी मैं आगे के एपिसोड्स में गया मेरे को बहुत स्ट्रांग लगने लग गया था। एक टाइम मुझे लगा कि वो गोकू की टक्कर में आ जाएगा, पर नहीं, लूफी बच्चा है 19 साल का तो इतना स्ट्रांग नहीं है बाकी के कैरेक्टर्स के मुकाबले, पर गाइस लूफी बहुत स्ट्रांग है। मतलब उसकी पावर्स अभी गियर सिस्टम पे वर्क करती है, जैसे कि गियर 1, गियर 2, गियर 3, गियर 4, और शायद अभी वो एडवांस आर्मोरेंट हाकी सीख रहा है वानू आर्क में। सो देखते हैं अब आगे क्या होगा, क्योंकि फ़िलहाल वानू आर्क में हमें गोल्ड रॉजर वाइट बियर्ड के एडवेंचर्स दिखा रहे हैं, और ओडेन के भी, ओडेन ही तो मेन है भाई वानो कुनी आर्क में। नंबर 2 नरुतो उजुमाकी। हाँ, अब नरुतो फैंस मेरे को बोलेंगे ये बंदा सच्चा है भाई, लूफी से आगे रख रहा है नरुतो का, मेरा ये रीज़न नहीं है। अब मैंने नरुतो भी देखी है, मतलब मैंने सिर्फ वो जिसमें नरुतो बच्चा रहता है वो वाली देखी है, शिपुडिन और बोरुतो में बिल्कुल नहीं देखने वाला, मतलब मुझे बोरुतो कुछ खास अच्छी नहीं लगी, पर नरुतो शिपुडिन मैं ज़रूर देखूँगा।
अब मेरे को जो बेसिक नरुतो है उसके हिसाब से ही नरुतो की बात करनी पड़ेगी। पर गाइस जहाँ तक क्या मेरे को पता है कि नरुतो लूफी से ज़्यादा स्ट्रांग है। अब क्योंकि गाइस नरुतो के पास ज़्यादा बैटल एक्सपीरियंस है लूफी से, क्योंकि नरुतो इज़ 30 ईयर्स ओल्ड और वो एक होकागे भी है, उसने अपना गोल भी अचीव कर लिया है, तो अब वो ऑब्वियसली लूफी से ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दी स्ट्रांगेस्ट मेन कैरेक्टर इन ऑल ऑफ द एनिमे, नंबर 1 सन गोकू फ्रॉम ड्रैगन बॉल सीरीज। अब गैस गोकू मेरा बचपन है, मतलब जब मैं 9 साल का था तब मैंने गोकू को अच्छे से देखना शुरू किया, फिर मैं जब तक 10 साल का हो गया गोकू मेरे दिल में बस गया अलग जगह ही। अब कोई भी एनिमे कैरेक्टर कितना भी बड़ा सो मेरे दिल में गोकू की जगह रिप्लेस नहीं कर सकता। मतलब यार सबका होता है, जो वो लोग पहना एनिमे देखते हैं वो उनके लिए काफ़ी अच्छा है, और ड्रैगन बॉल मेरे लिए वो एनिमे था। पर गाइस गोकू की ये रीज़न नहीं है कि वो नंबर 1 पोजीशन पे इस लिस्ट में, क्योंकि गाइस आने वाले जितने भी मैंने लिस्ट में कैरेक्टर्स बताए उन सबसे गोकू स्ट्रांग है। अब गाइस गोकू के पास बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशंस, बहुत सारी अल्टीमेट टेक्निक्स और बहुत स्ट्रांग अटैक्स भी है। और गाइस गोकू एक सैयन है इसलिए उसकी पावर नॉर्मल ह्यूमन बींग से ज़्यादा है, और स्पीड भी। तो इस लिस्ट में जो ह्यूमन बींग्स है वो तो गोकू के आगे चांस ही नहीं करते लड़ने का, पर इस लिस्ट में से 3 ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो शायद गोकू को हरा सकते हैं, जो कि है गाइस लूफी, नरूतो और आस्ता। हाँ मैं नत्सु को, मतलब नास्तु, क्या नाम है यार उसका, नात्सु, हाँ नात्सु को गोकू के साथ कंपेयर नहीं कर सकता, पर आस्ता को ऑब्वियसली कर सकता हूँ, क्योंकि गाइस आस्ता बहुत स्ट्रांग है और वो कभी गिव अप नहीं करता आगे आने वाले लोग पे। सो गाइस अगर आप मेरी लिस्ट से अटैच करते हो तो कमेंट में लिखना यस आई एम एग्रीड विथ योर लिस्ट, और नहीं तो यार अपनी फेवरेट लिस्ट बता के मेरे को कमेंट में बता देना, और नंबर 1 पे कौन सा कैरेक्टर होना चाहिए था ये भी कमेंट में मुझे बता देना। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।